अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम जानते हैं LCA तेजस एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दुबई एयर शो में भेजा गया है। तो दुबई एयर शो में ये एयरक्राफ्ट फ्लाइंग डिस्प्ले तो कर ही रहा है, साथ ही साथ स्टैटिक डिस्प्ले भी इस एयरक्राफ्ट का किया जा रहा है और इससे रिलेटेड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर जो है वो निकल कर सामने आई है। तो स्टैटिक डिस्प्ले में LCA तेजस के साथ दो नए बॉम्ब जो हैं डिस्प्ले किए गए हैं। ये बॉम्ब अभी तक LCA तेजस से लगे नहीं हैं पर लगने हैं। ये अल्तारिक प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स हैं, स्मार्ट म्यूनिशंस हैं जिनको एक्चुअल में डेनल डायनामिक्स द्वारा बनाया गया है जो कि एक साउथ अफ्रीकन कंपनी है। वहीं पर इनको जॉइंट वेंचर में UAE द्वारा अल्तारिक के नाम से बनाया जाता है। एक्चुअल में ये डेनल डायनामिक्स अंबानी है जो कि एक्चुअली नॉर्मल नेटो बॉम्ब्स को किट लगाकर स्मार्ट म्यूनिशन बनाया गया है। तो इसमें Mark 81, Mark 82 या फिर Mark 83 लो ड्रैग फ्री फॉल बॉम्ब को स्मार्ट बनाया जाता है डिफरेंट मॉड्यूल्स को लगाकर। तो यहाँ पर आपको रेंज भी उसी के हिसाब से मिलती है। तो जो स्टैंडर्ड बॉम्ब किट है वो आपको 40 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है। फिर फोल्डेड विंग यहाँ पर किट आती है जो कि 120 किलोमीटर की रेंज देती है। फिर एक्सटेंडेड रेंज मॉड्यूल है जो कि 200 किलोमीटर के आसपास की मैक्सिमम रेंज देती है। ये इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है और यहाँ पर सेटेलाइट नेविगेशन को भी यूज़ किया जा सकता है जिसकी वजह से ये एक्यूरेट है, लॉन्ग रेंज में प्रिसाइजली टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो ये जो आपके Mark 81 और Mark 82 है ये आपके 250 पाउंड बॉम्ब है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 110 किलोग्राम्स के आसपास है। वहीं पर जो Mark 83 है ये आपके 1000 पाउंड्स के बॉम्ब है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोग्राम के आसपास आता है। तो ये अंबानी बॉम्ब्स जो हैं मेनली साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके शुरुआत में एल्टस चीता में इस्तेमाल किए जाते थे, उसके बाद मिराज F1 में इस्तेमाल किए जाते थे, फिर अभी हॉक Mark 120 में इनको लगाया गया है और ग्रिपिन जो साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक जो अल्तारिक बॉम्ब है इसे इजिप्शियन एयरफोर्स के जो F-16 है और मिराज 2000 है वो डेफिनेटली इस बॉम्ब को कैरी करते हैं और इनकी पिक्चर्स भी देखी गई है। वहीं पर बात करें यूनाइटेड अरब एमिरात्स की तो UAE एयरफोर्स के द्वारा जो मिराज 2000 यूज़ किए जाते हैं उनमें ये बॉम्ब लगाए गए हैं और मोस्ट लाइकली जो रफाल लिए जा रहे हैं इजिप्शियन एयरफोर्स द्वारा वो भी इन बॉम्ब्स के साथ आएंगे। तो ये एक्चुअली काफ़ी स्मार्ट मूव है कि जो मिडल ईस्ट में बॉम्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर वेपन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको तेजस के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है मिडल ईस्टर्न मार्केट को टारगेट करने के लिए। तो ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं कि इजिप्ट के लिए ऐसे तेजस को पिच किया जा रहा है और करीबन 70 के आसपास ऐसे प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट इजिप्शियन एयरफोर्स को है। तो अगर ये इंश्योर किया जा रहा है कि वो वेपन्स जो पहले से इस्तेमाल करते हैं वो इन एयरक्राफ्ट में लगा दिए जाएं तो ये डेफिनेटली तेजस को एक एडवांटेज देगा। साथ में ये बॉम्ब हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं। ऑल्दो अगर तेजस के वेपन पैकेज को हम देखें तो डेफिनेटली एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस की कमी नहीं है, चाहे हम इंडिजिनस वेपन्स की बात करें या फिर इम्पोर्टेंट वेपन्स की बात करें, चाहे JDAM हो, चाहे हैमर हो, चाहे DRDO-100 हो, LCA तेजस वेपन के मामले में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स पैकेज रखता है और अल्तारिक जो है वो यहाँ पर डाइवर्सिटी को ऐड करेगा। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट भी है। अगर हम केस स्टडी के लिए रफाल का एग्जांपल लें तो रफाल के भी काफ़ी सालों तक एक्सपोर्ट कस्टमर ऑलमोस्ट ना के बराबर थे और एक समय पर रफाल को ऑलमोस्ट फेलियर घोषित किया जा रहा था क्योंकि कोई भी एक्सपोर्ट कस्टमर इन्हें मिल नहीं रहा था। फिर एकदम से चीज़ें बदली और लगातार एक्सपोर्ट कस्टमर्स की लाइन लग गई। शुरुआत यहाँ पर इंडिया से हुई थी। तो यहाँ पर बड़ा बदलाव आने के पीछे जो बड़ा कारण था वो इसके वेपन पैकेज थे। शुरुआत में रफाल के जो वेपन पैकेज थे ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थे। इनसे एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए खाली मीका जैसी मिसाइल्स फायर होती थी। बाद में जब मीटियोर ऐड हुई और ज़्यादा एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस ऐड हुए, साथ ही साथ इंडिया को ये फ्रीडम मिली कि इंडियन वेपन्स को भी इन प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट किया जाएगा, इंडिया को पर्सनली यहाँ पर प्रॉफिट दिखा, बाकी दूसरी कंट्रीज़ को भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखी कि वो इस प्लेटफॉर्म के साथ अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और इसकी वजह से रफाल का एक्सपोर्ट एकदम से बढ़ा। तेजस के साथ भी ये बेनिफिट है कि हम यहाँ पर किसी भी ओरिजिन के वेपन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे वो वेपन्स रशियन हो, चाहे वेस्टर्न हो, अरब मिडल ईस्टर्न वेपन्स हैं इनको भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंडियन वेपन्स तो हम लगा ही रहे हैं। तो ये भी अपने वेपन पैकेज में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है जिसकी वजह से इसके जो फ्यूचर ऑपरेटर्स होंगे उनको इस प्लेटफॉर्म के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। तो ये एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव से एक बड़ा प्लस पॉइंट ऐड करता है। तो मिडल ईस्ट में कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको बड़े भारी फाइटर्स नहीं चाहिए, इनको मेनली छोटे मोटे ग्राउंड अटैक के लिए एयरक्राफ्ट चाहिए और सेल्फ डिफेंस के लिए प्लेटफॉर्म्स चाहिए। तो इसीलिए मिडल ईस्ट
एलसीए तेरस के लिए बड़ा मार्केट दिखाई पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि हम सही डायरेक्शन में कदम बढ़ा रहे हैं, चाहे वेपन इंटीग्रेशन की बात हो चाहे प्रमोशन की बात हो। तो इस अल्तारिक स्मार्ट म्यूनेशन का ऐड होना तेरस के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को डेफिनेटली बढ़ाएगा। बाकी अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो अन अकेडमी द्वारा बैच कोर्सेज चलाए जा रहे हैं एनडी और सीडीएस के लिए, ये नवंबर 16 से चालू होंगे। तो एनडीए के लिए त्रिशूल बैच जो है ये चालू होने वाला है, वहीं पर सीडीएस के लिए अस्त्र बैच जो है ये चालू होने वाला है। तो इन बैच कोर्सेज में आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर आप 14 नवंबर से पहले पहले इन बैच कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं तो आप 60% तक सेव कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर। इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड Matrix100 यूज़ करना होगा। याद रखिए लास्ट डेट है 14 नवंबर और जितने भी लिंक्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ा सरप्राइज है, तो डेफिनेटली इस ऑडियो को जरूर सुने। हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सब? मिस किया क्या? बहुत सारा। तो बस लो, मैं आ गया हूं आप सभी के बीच अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी ही मिलते हैं। याद रखना, करने से ही आएगा। जय हिंद दोस्तों।